हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जी हाँ, आज है 3 तारीख और 3 तारीख का ये वीडियो मॉर्निंग हो चुकी है और मैंने ब्रश कर लिया। अभी चाय पीने जा रही हूँ, देख सकते हैं मेरे भाई लोग हैं। मैं चाय पीने जा रही हूँ फ्रेंड्स। अभी बोलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है क्योंकि ना मेरे गालों में ना बहुत ज़्यादा घाव हो चुका है। मैं बोलने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, फिर भी मैं बोल रही हूँ। देख सकते हैं सुबह का टाइम है, कैसा व्यू है सुबह सुबह का। और मेरी मम्मी सबको टिफ़िन बना के दे दी है, वही दोनों भाई बच्चे थे, रोटी सब्जी बना के दे दी है। अब मैं दाल चावल बनाने जा रही हूँ, तो दाल मैं ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि मुझे चाहिए होता है ना, मैं बेबी को फीड कराती हूँ। तो और यहाँ पे मैं नारियल था तो खा ली। और पता है फ्रेंड्स, मुझे ना उस नारियल से ही घाव हो चुका है, ये पूरा एक साइड का जो गाल है अंदर की साइड का पूरा घाव हो चुका है। मैं आपको क्या बताऊं। और यहाँ पे मैं सब्जी वब्जी सब बर्तन खाली कर रही हूँ, मुझे धोना है। सेकेंड काम है, ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग काम बांट के रखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे ब्लॉगिंग करना होता है इसलिए मैं काम करती हूँ ताकि मैं कुछ भी कुछ शूट कर सकूँ और मैं अपने दर्शकों को दिखा सकूँ। बस इसी वजह से मैं काम कर लेती हूँ, और काम करना अच्छी बात है, हाथ बटाना। अभी मैं काम कर रही हूँ तो मेरी मम्मी मेरी बेटी को मालिश कर रही है। यही होता है, जब मेरी मम्मी मालिश करती है तो मैं सोचती हूँ मैं काम कर लूँ ऐसा। यही नारियल है जो कि मुझे मुझे घाव बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी मैं साफ़ कर लेती हूँ, देखा होगा आप लोगों ने, मैंने पहले साफ़ किया गैस को, उसके बाद दाल चढ़ाया। मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले साफ़ कर लेती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। मैं साफ करके दाल बना रही हूँ, उसके बाद वो जब दाल पक जाएगा चावल बना लूँगी, उसके बाद मैं फिर से साफ करूँगी अच्छे से। और अभी बर्तन धो लूँगी, बर्तन वगैरह मेरा हो चुका है, मैंने झाड़ू भी लगा लिया है। अब मैं सी सेक्शन होने के बाद भी मैं अप डाउन ऊपर नीचे क्या क्या करती रहती हूँ, उल्टा सीधा। देखो ये सब मैं ना ऊपर चढ़ा रही हूँ क्योंकि सब चले जाते हैं मेरे घर पे ना, कोई सुनता भी नहीं है, मेरे भाई लोग, तो मुझे ऊपर नीचे करना पड़ता है। मम्मी चिल्लाती रहती हैं, मुझे लगता है कि मैं कर लूँ, जो काम रह जाता है ना वो रह ही जाता है इसके लिए। अब मैं चावल पक चुका था, मैंने उसको पलट दिया, अभी चावल डालने जा रही हूँ। तो देख सकते हैं चावल भी रख दिया है मैंने, इधर मेरी बेबी रो रही थी तो मैं आ गई और मम्मी नहाने चली गई, कुछ कर रही है मम्मी। और मेरा बर्तन भी इधर साफ हो रहा है फटाफट। और ये अभी चार ये हुआ मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये है 4 तारीख का ब्लॉग, तो दोनों मैं ब्लॉग साथ में ही अपलोड कर रही हूँ फ्रेंड्स, एक ही में, क्योंकि ना मैं मुझे बहुत दिक्कत हो रहा था, मैं नहीं कर पाई थी 3 तारीख का ब्लॉग अपलोड वीडियो, इसलिए। तो सुबह सुबह मैंने बेड खोला था, पूरा साफ़ सफाई की थी क्योंकि हम लोग को ना काकरोच दिख गया था, इसलिए हम लोग पूरा साफ़ सफाई दूसरे दिन भी कर रहे हैं। तो सब राशन का सामान आया था वो भी सब रखना था अच्छे से। तो ये न्यू घर है ना, तो न्यू घर में सब अच्छे से सेटअप करना था, तो मैंने सोचा इसी बहाने सब कर देते हैं। सब राशन का सामान आया, सब भर रहे हैं फ्रेंड्स, सब कुछ देख सकते हो आप लोग। मैं सब कुछ रख के फाइनल लुक दिखाऊंगी आप सबको। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब जो भी नए हैं हमारे चैनल पे वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो अपलोड होती रहे तो आप सबको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। तो मैं मम्मी मिलकर सारा काम कर रहे हैं हम। आज हमें 1:30 बजे, मैं खाना भी कुछ भी नहीं खाई थी, और एक तो ये गाल में चोट है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी, इतने तकलीफ़ से हम वीडियो बना रहे हैं। तो प्लीज़ एक बार सोचिएगा मेरे बारे में, और प्लीज़ एक सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करिएगा आप लोग। यहाँ पे सब काम हो रहा है फटाफट फटाफट। मैंने वीडियो को स्पीड ना तेज़ कर दिया क्योंकि ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है तो हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो उब जाते हैं वीडियो देखते देखते, इसलिए तो सारा हो जाता है। मैं सब लोग मिलके ना सारा सामान सेटअप कर दिया, और मेरे घर पे ना कोई आने वाला है तो आप लोग ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट ब्लॉग जो भी आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तभी ना, कौन आएगा कौन नहीं वो आपको दिखेगा वो ब्लॉग में। तो सब फटाफट काम हो रहे हैं,
उसी में ना बेबी भी रो रही थी, तो इसके लिए फाइनली मेरा काम हो चुका है। देख सकते हैं मेरा पूरा मैंने सेटअप कर दिया है। यहाँ पे सब्जी का दुकान भी लग चुका है, जिसको लेना है वो आ जाओ भाई।